हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पोहा कटलेट, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो इसे किस तरीके से बनाना है वह इस वीडियो में देखिए। ये देखिए मेरा पोहा कटलेट में मैंने जो कोटिंग की है ऊपर से, वो भी मैंने पोहे की है, तो इससे इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा रिच आ रहा है। और सच में खाने के टाइम जब हम एक एक बाइट ले रहे थे तो काफ़ी क्रंची आ रहा था टेस्ट इसका, तो इसमें चीज़ की स्टफिंग की वजह से। तो ये देख रहे आप चीज़ इसमें दिख ही रहा है, तो चलिए जल्दी से फटाफट बनाते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए मैंने पोहे को अच्छे से वॉश करके 1.5 कप के अराउंड इतना मैंने सोक करके रखा था, वॉश करके एटलीस्ट 5 से 6 मिनट। उसके बाद इसे स्मैश किया, और इसमें 2 चम्मच मैं डालूंगी बेसन, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी और हमारा जो पोहा कटलेट है वो काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा गर्म मसाला अराउंड 1/2 टेबल स्पून इतना, और ये थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है 1/2 टेबल स्पून इतना। अब सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। पोहा जो है, जो नॉर्मल अपना पोहा यूज़ करते वही यूज़ करेंगे, और ये थोड़े से बेसन में हल्का सा पिंच ऑफ नमक डाला और इसका बैटर तैयार करेंगे। ये हम आउटिंग लेयर के लिए बना रहे बैटर, तो इसी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब ये मैंने स्वीट कॉर्न बॉइल करके रखा हुआ था ऑलरेडी, इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे। आप इसकी जगह दूसरा कोई भी बाइंडिंग यूज़ कर सकते, मतलब सॉरी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला, और थोड़ा सा डालूंगी ऑरेगानो, बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हम भरेंगे इसकी स्टफिंग। और ये देखिए मिक्स करके हो गया, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पोहे के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा लेंगे जो हमने बना के रखा था, और इसे इस तरीके से दोनों हाथ की हेल्प से इसे रोल करेंगे अपने पाम के बीच में रख के, और इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे क्योंकि इसमें हम स्टफिंग भरने वाले हैं। अब थोड़ा सा स्टफिंग हम इसमें फिल करेंगे, इसकी जगह चाहिए तो, अगर आपको कॉर्न वगैरह नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल सिर्फ चीज़ की भी स्टफिंग कर सकते हो, या कोई और चीज़ आपको जैसे पसंद हो कोई वेजिटेबल वगैरह, तो मिक्स वेजिटेबल की भी स्टफिंग कर सकते हो। थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे इस तरीके से, अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है वो ध्यान से करना है, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी भी हुआ है, और इसे इस तरीके से सेंटर में जितनी स्टफिंग है उसको अच्छे से अंदर की तरफ पुश करते हुए इस तरीके से हम रोल करेंगे, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये तो ये हो गया। अगर आपको स्टफिंग नहीं चाहिए तो आप इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, और उससे भी उसका टेस्ट अच्छा होगा। सिर्फ जो आप पोहे का मिक्सचर बनाएंगे उसमें थोड़ा सा अपने मसालों के इंग्रेडिएंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने बना लिया, एट इस टाइम में थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और ये जो हमने बेसन का आउटिंग लेयर के लिए बनाया तो इसमें हम इसे डिप करेंगे इस तरीके से। इसे मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये मैंने पोहा रोस्ट करके रखा हुआ है और क्रम्बल भी कर लिया हुआ है हाथ से। आप पोहे की जगह चाहिए तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पोहे को ही यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से इसे मैंने स्मैश करके ऑलरेडी रखा हुआ था, तो पोहा क्रम्स यूज़ कर रहे हैं। अब इसे इस तरीके से चारों तरफ से कोट कर देंगे, और ट्रस्ट मी गाइस, खाने में बहुत ही सच में बहुत अच्छा था। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और तेल ऑलरेडी चढ़ा के रखा था, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो इसी तरीके से सारे कटलेट हम अपने बनाएंगे, और थोड़े से डिस्टेंस पे हम अपने रखेंगे, और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरीके से 3 रखे हुए हैं, और इसे स्पून की बैक साइड की हेल्प से और एक कलछुल की हेल्प से टर्न करेंगे, और जिस तरीके से मैंने टर्न किया है दोनों साइड से हम अपना गोल्डन ब्राउन करके पका के लेंगे, बट थोड़े से डिस्टेंस पे रखना ताकि जब हम टर्न करें तो वो इजीली टर्न हो, कोई प्रॉब्लम ना आए इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे पोहा कटलेट जो है वो बनके तैयार है, दोनों बाजू से अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, सच में बहुत ही अमेजिंग सा हमारा स्नैक्स। आप इसे अपने घर पे कोई गेस्ट आए तो आप उसे भी बना के खिला सकते हैं, थोड़ा सा अलग है और सच में बहुत ही अच्छा था। तो आप इसे सर्व कीजिए चटनी सॉस के साथ में। तो अब इसे इस तरीके से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से बाकी के सारे पोहे कटलेट हम बना के लेंगे।
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। डू चेक इट आउट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।